तो आज हम लोग यहाँ पे कन्वाश्रम में आ रखे हैं, और कल माँ पापा की एनिवर्सरी थी, तो इस वजह से मेरे मामा जी और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं नाना जी, और वो लोग भी आए हुए थे। तो आज मैं उन सबको लेके ही कन्वाश्रम आया हूँ, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक कुटिया सी थी एक साधु की, बट अब मैंने सुना है कि कुछ ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। सो आई थॉट कि यहाँ पे आना चाहिए एक बार, और विजिट हमें करनी चाहिए। सो अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो अभी मैं यहाँ से ऊपर स्टेट से ऊपर आ चुका हूँ, और ये अभी गेट बंद हो रखा है यहाँ पर, इस पर लॉक लगा हुआ है। और पीछे जो नाना जी वगैरह वो लोग आराम से आ रहे हैं, क्योंकि ओल्ड एज होने की वजह से थोड़ी दिक्कत है, बट फाइनली अब वो लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप लोग सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये लोग आने के बाद हल्का सा बैठ रहे हैं, ताकि इनको थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि स्टेयर्स बहुत बड़ी थी। और अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे ये वाला जो है मंदिर, ये पहले भी था जब मैं यहाँ पे 2006 में पहले आया था, इन 2006। तो ये तो अपग्रेड नहीं हुआ है, ये पहले भी ऐसे था और आज भी ऐसे ही है। और बाकी अब ये लोग यहाँ ऊपर आने के बाद भी थोड़ा वेट कर रहे हैं, ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। और यहाँ माँ से ये ऊपर ट्राई कर दिया कि ये ऊपर आ जाए यहाँ से, बट ये नहीं हो पाया। अभी तक तो जो मैंने यहाँ पे देखा है वो सारा कुछ वही है जो पहले था। यहाँ स्टेयर से हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर साधु की जो पहले एक मतलब कुटिया बोलेंगे, बट वो एक घर था बना हुआ था। लेकिन इस टाइम पे जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, साइड में जंगल भी है और घास बन चुकी है, और प्लस ये वाला जो घर पहले घर सा बना हुआ था, ये अब एक खंडर सा हो गया। और तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, मैं तो कुछ चेंज देख नहीं पा रहा हूँ। रेस्ट यहाँ पे साइड में से एक और है रास्ता, और ये कुछ मेरे लिए अब नया होगा ये चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आया था जब मैं पिछली बार था। सो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ यहाँ पे क्या नया है इसमें। है तो पूरा जंगल ही है, लेकिन कहाँ जा रहा है इसमें आगे क्या है, थोड़ा मज़ा सा आ रहा है मतलब फॉरेस्ट के अंदर घुसने में। तो ज़रा देखता हूँ। और ये पूरा का जो जंगल यहाँ बना हुआ है, ज़्यादा घना भी नहीं है, मतलब यहाँ से तो इतना नहीं हो रहा पर कि मतलब घना या नहीं है, बट हाँ जो पास पास का एरिया है इस कुटिया या घर जो भी आप बोलो इसे, तो इसके इतने पास में तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और शायद मैंने सुना था कि इसमें आगे एक कोई पहाड़ों के बीच से मतलब ये जो एरिया है इसमें आगे जाके रिवर आती है, तो शायद जो बाहर बह रही है तो वही हो, या उससे अलग कोई हो, या मे बी पॉसिबल है कि पानी हो या ना हो, मैं उसका भी श्योर नहीं हूँ। तो इसलिए मैं इसलिए अभी इसमें आगे जा रहा हूँ, और आगे जाकर मैं अब देखता हूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है।
जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक है नदी, बट यहाँ पे इस टाइम सिर्फ बड़े बड़े जो पत्थर है वो ही पड़े हुए हैं, और ये पेड़ अपनी पूरी जो है ना जड़ वो छोड़ चुका है, ये सिर्फ एक फॉर्म में खड़ा हुआ ही है यहाँ यहाँ पर। तो मैं मामा जी और के साथ में यहाँ आ चुका था, बट अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं पे जो और जंगल है वहाँ पे हम जा रहे हैं, और मेरे पीछे मेरे जो कजन्स हैं अब आस्था और अंतरिक्ष, वो दोनों के दोनों पीछे ही हैं और वो आ रहे हैं फॉलो फॉलो करते हुए। तो अब हम पांचों के पांचों, मतलब हम तीन कजन्स और मामा जी और मैं, और हम सब लोग जो कुटे के पीछे जो जंगल का पोर्शन है वहाँ जा रहे हैं कुछ एडवेंचर वो करने के लिए, या फिर अब कुछ भी देखने के लिए। मतलब हम लोग बस जा रहे हैं ताकि यहाँ पे आने के बाद एटलीस्ट कुछ तो और नया हो जो हमने किया हो यहाँ, क्योंकि वो जो साधु की कुटिया थी, या उसे हम घर बोलेंगे, जो भी था जो भी है वो, तो वो तो अब वैसे का वैसे ही है। इनफैक्ट उसमें पहले था साधु जब पिछली बार मैं आया था, बट अब नहीं है वो, तो इसलिए कुछ नया हो तो इसलिए हम। और अभी हमें यहाँ पर मतलब जब हम लोग घूम रहे थे तो उस टाइम पे एक बाबा जी आए थे हमारे पास, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे साइड में गुरुकुल है, तो वो जो गुरुकुल है वो शायद अभी बना है यहाँ। तो अब हम लोग वहाँ जाने की प्लानिंग में है कि एक बार वहाँ जाके देखते हैं वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो पहले तो मैंने यहाँ पे बिल्लू बिल्लू आगे वाले के कैसे लगाऊं, हाथ ही नहीं जा रहा। अरे आगे ऊपर से ऐसे कुछ नहीं करेगा, इसको खिलाने दो। ले मैं भी तो वही खिला रही हूँ भाई। बात कर रहा हूँ बिल्डर ने, मतलब बस आपको पहले चलाऊं। अरे 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 खा लिया उसने, दोबारा खिलाओ। ले ले ब्रो एक चुटकू, एक मिनट हाथ हटा ले, वो मेरे खिलाते हुए जो ले रहा है अभी लेगा। ये सारा दिन खाते हैं क्या? चलो चलो बे गुलगुल ले चल। ये चीज़ अब काफ़ी ज़्यादा बदली हुई है, मतलब बदली हुई क्या, मेरे लिए तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। और इन्होंने ये मतलब पूरा अच्छे से अपना गुरुकुल का जैसे होता है कि भाई मैस बनी हुई है इनका, अपना भोजनालय भी है, और यहाँ पे ये लोग बैठने का भी सिर्फ जो इनका बैठने का इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, ये इनका एरिया है पूरा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी इन्होंने मतलब स्टैचू बोले, कलाकृति बोले, आर्ट वर्क बोले, जो भी बोले इससे, बट क्वाइट अ ग्रेट थिंग, आप लोग देख पा रहे होंगे।
इन्होंने आर्टवर्क करा हुआ है इसके ऊपर, और आपने पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसके इन सारे स्टैचूज के इस आर्टवर्क के टॉप पे भारत माता की एक स्टैचू बना हुआ है, और यहाँ पर भी जो इन्होंने आर्टवर्क करा हुआ है काफ़ी बहुत काफ़ी अच्छा है ये। मुझे ये उस वाले कर्माश्रम जो मैं पहले आया था, जो मैंने देखा था, उससे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। और बाकी मैं इसको और अभी देख रहा हूँ अंदर तक इसमें क्या क्या और बना हुआ है, क्योंकि ये तो सिर्फ आर्ट वर्क तक मैं अभी आप आया हूँ उसमें। और पूरे अराउंड ये सेमी सर्कल शेप में है, और ये पूरा का पूरा एरिया अच्छे से ग्रीनरी के अंदर बना हुआ है, तो और अच्छा इसमें फील आ रहा है। और अब ये लोग यहाँ पे कुछ ट्राई करते हुए, ये देखो एक और जो है स्टैचू बना हुआ है और ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, तो भारत माता की मूर्ति बोलो चाहे जो भी बोलो, पर हम काफ़ी अच्छा है ये। और वो ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि ऊपर ऊपर की साइड पे है। तो बाकी हम लोग यहाँ से अब अंदर हम घुसेंगे, क्योंकि इसमें बाहर ये लिखा होता है कि शूज़ पहन के नहीं आना, तो हम लोग शूज़ उतार के आए हैं। ये कुछ वैसी एक जगह है कि यहाँ पे आप बैठ के शांति का अनुभव आप कीजिए, मीन्स अ टाइप ऑफ मेडिटेट कीजिए, इसमें बैठ के आराम से अंदर बैठिए, और इसमें बाहर लिखा हुआ था कि अंदर जाके आराम से शांति का अनुभव करें इसमें। तो अब हम लोग यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें आगे क्या है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है वो देखते हैं, क्योंकि मैं पहली बार आया तो मुझे इतना आइडिया नहीं है ये कहाँ पे है और कहाँ जा रहा है। तो बाकी अब हम लोग यहाँ से शायद बाहर हम निकलने वाले हैं, एक छोटा सा ही था, और ये हमारी ये ओपनिंग आ चुकी है। पर अभी पूरा महर्षि जो कर्ण थे उनका और उनके स्टूडेंट्स का, उनके शिष्यों का पूरा स्कल्पचर एक आर्टवर्क से शो करा गया है कि उस टाइम पे एजुकेशन ऐसे में थी कि उन्हें उनके शिष्य उनके सामने ऐसे बैठते थे वो और पढ़ते थे। और उसके आगे अभी एक हवन का, या फिर जो साधुओं के टाइम में हवन होते थे, तप होता था, यज्ञ जो भी हम उससे कहें, उसके लिए पूरा स्कल्पचर शो किया गया है, एक पूरी कुटिया टाइप के का बनाया हुआ है यहाँ पर एक। और मेरे सारे कजन्स और मिस्टर यहाँ बैठ चुके हैं इन्हें फॉर्म की हाँ हम लोग भी अब तब करेंगे, और जो भी हवन है जो भी करेंगे। और साइड में जो स्कल्पचर हैं वो तो अभी बने हुए हैं, और काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, ग्रीनरी के अंदर का जो एरिया है और पूरा अंदर बनाया गया है, तो काफ़ी बहुत सही बना हुआ है। और ये ओम का जाप कर रहे हैं अब लोग, इट्स अ नाइस थिंग कि ये लोग यहाँ पे आके ओम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर मिलता है अब, खासकर इस एज के बच्चे। तो अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, और घर जाने के बाद में मामा जी और को भी हरिद्वार के लिए अब निकलना है, तो वो लोग फिर वहाँ चले जाएंगे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा, प्लीज़ इसको भी व्लॉग को आप लोग लाइक कीजिएगा, इसमें जो भी कुछ चेंज करना है उसमें आप कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले आने वाले व्लॉग्स वो सब इस पर बहुत जल्द आएंगे। इतना ध्यान रखिए, टेक केयर।